जी बेसिकली हम लोग एज इंडिविजुअल्स एज जो नॉर्मल पीपल हम सब ये चाहते हैं कि सबकी लाइफ हेल्दी रहे, तो ऑब्वियसली दिस इज़ समथिंग वेयर वी टॉकिंग अबाउट गुड न्यूट्रिशन एंड हम लोग सब डाइट पे ध्यान देते हैं, लेकिन उसमें कितना न्यूट्रिशन मिल रहा है, कितना नहीं मिल रहा है, कितना प्रोटीन जा रहा है बॉडी में, कितना विटामिंस मिल रहा है कि नहीं, तो आज का शूट उसके ऊपर था। ये बेसिकली सोर्सेज न्यूट्रोसाइंसेज सप्लीमेंट्स के ऊपर है जी। सी बेसिकली दिस इज़ ट्राइड एंड टेस्टेड, इट्स अ ट्रस्टेबल ब्रांड और इट्स मेड इन इंडिया विद इंग्रेडिएंट्स फ्रॉम अमेरिका, बट इसके साथ में ही इंडियन नेवी और आर्मी जो है वो भी इसको ट्रस्ट करती है, एंड क्योंकि सारा इन्हीं का सप्लीमेंट्स है जो वहाँ जाता है। जी नहीं, मैंने बहुत ज़्यादा सप्लीमेंट्स अपनी पूरी लाइफ में कभी नहीं लिए, लेकिन जब जब डिपेंडिंग ऑन माय प्रोजेक्ट्स आई हैव टेकन, क्योंकि कभी जब सडन गेन करना हो या सडन लूज़ करना होता है, तब एक प्रॉपर ट्रेनर और एक हेल्थ न्यूट्रिशनिस्ट के गाइडेंस के अंडर तब मैंने सप्लीमेंट्स लिए हैं। नहीं, इसके अंदर हम दोनों सेपरेट दो डिजिटल एड्स कर रहे हैं, मेरी एक सेपरेट ऐड है और उनकी एक सेपरेट ऐड है, बट आई नो हर ऑब्वियसली श्वेता, एंड शी इज़ आई थिंक अ फैंटास्टिक एथलीट एंड एन एक्ट्रेस। तो हाँ 100% मैं बोलूँगा कि सिर्फ जिम वालों के लिए नहीं या बॉक्सिंग वालों के लिए नहीं, ये एक कोई प्लेयर भी होता है, एथलीट्स होते हैं एंड नॉर्मल लाइफ में भी जो रूटीन में जैसे जितने भी लोग हैं एक टाइम के बाद उनको मतलब योर बॉडी नीड्स बेसिक प्रोटीन्स, बेसिक सप्लीमेंट्स, बेसिक मिनरल्स, विटामिंस, तो उन सबके लिए बहुत अच्छा है। सर, अभी आपके अपकमिंग कौन से प्रोजेक्ट्स हैं? मेरे अभी एक फिल्म आने वाली है मंडली, वो मुंशी प्रेमचंद की कथाओं से प्रेरित है हिंदी की, एंड देन उसके बाद एक वेब सीरीज़ है, इट्स कॉल्ड द गोस्ट थीसिस, वो है, और अभी एक फिल्म आ रही है बगावत। जी बगावत सबसे एंड में रिलीज होगी, मंडली पहले होगी, फिर गोश्त थीसिस आएगी। मंडली हम लोगों ने मथुरा में शूट किया है पूरा। जी मथुरा में ही पूरा शूट हुआ है, गोकुल में मथुरा में, और ये बेसिकली राकेश चतुर्वेदी ओम है, उन्होंने डायरेक्ट किया है। थैंक यू।